देखिए मैं शाही टुकड़ा ब्रेड का बना रही हूँ, इसे मीठा टुकड़ा भी बोलते हैं। ये क्या क्या सामान लगेगा, कैसे बनता है तो दिखाऊंगी। पहले सामान आपको दिखाती हूँ। ये ब्रेड है एक पैकेट, और ये मैं एक पैकेट ली हूँ, आधा केजी इसमें दूध है, और ये आधा केजी चीनी है। इसके अभी मैं इसका हल्का ऐसा मैंने चीनी इस पर चढ़ाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। हाँ, और ये कलर है, और इसमें ज़्यादा किमान का नहीं बनेगा, हल्का ऐसा चीनी मैं चूल्हे पर चढ़ाई हूँ केमाम बनाने के लिए। थोड़ा पानी दे रही हूँ इसमें, ये केमाम करने के लिए चढ़ाई हूँ। ये केमाम तैयार हो जाएगा, फिर आपको देखें दिखाएंगे ब्रेड को फ्राई करना है। ऐसे कलर भी इसी में डाल देते हैं, कलर है ऑरेंज, जितना हल्का कलर देना हल्का दीजिए, ठीक देना ठीक दीजिए, थोड़ा हल्के दूंगी। ज़्यादा यही बनेगा, हल्का फल्का इसको गाढ़ा करना है। ये बन रहा है, पूरा बन जाएगा तो आपको बनाते हुए दिखाऊंगी, फिर ब्रेड फ्राई करूंगी और दिखाऊंगी पूरा किस तरह से बनता है, सब आपको दिखाऊंगी। देखिए ये केमाम हो गया, इसको ज़्यादा केमाम नहीं किया जाता, हल्का चटचटाहट होता है। इससे एक चीनी, एक प्याला चीनी था, दो प्याले से पानी मैं दूंगी, बस हल्का ऐसा जैसे जलेबी का केमाम बनता ना, ज़्यादा गाढ़ा इसको नहीं बनाना चाहिए। ये तैयार हो गया, अभी आपको दिखाती हूँ फ्राई करके बना के किस तरह से बनता है। देखिए इसमें इसे पानी सूख गया है, देखिए सूख गया है। इसमें मैं रिफाइन दे रही हूँ, ब्रेड फ्राई करना है, ब्रेड फ्राई करने के लिए रिफाइन दे रही हूँ। अभी दीजिए इसे दिखा दे, देखिए मैं फ्राई कर रही हूँ, इसे गोल्डन फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं, गोल्डन फ्राई हो जाएगा, फिर बना के आपको मैं दिखा रही हूँ। देखिए ये ब्राउन हो रहा है, अब आपको दिखाते हैं किस तरह से ब्राउन होना है। बस ज़्यादा भी ब्राउन नहीं करना है, हल्का ऐसे आपको बनाते हुए मैं दिखा रही हूँ किस तरह से बनना, किस तरह से डालना है। देखिए ये चीनी का केमाम है, इसे मैं डाल रही हूँ, इसको मीठा टुकड़ा ही बोलते हैं, शाही टुकड़ा ही बोलते हैं। इस तरह से इसे निकाल के अब मैं केमाम में ये दूध में डालूंगी, सारा आपको अभी दिखाऊंगी। दूध में निकाल के इस तरह से, और इसमें आपका दिल चाहे तो देखिए मेरा भी डाल रही हूँ, मलाई भी डाल देते हैं, कि मैं ऐसे मलाई वलाई भी डाल दी हूँ, और इसी तरीके से बनता है, और कुछ भी नहीं मिलता है। आप लोग भी बनाइए, देखिए मेरा रेसिपी, और फॉलो भी मुझे कीजिए, और खा के बना के देखिए किस तरह से लगता है।